जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये पर्सनल पिक्चर्स मुझे किसी ने कहा था उनको चाहिए थी, तो ये उनके लिए फ़ोटोशूट हो रहा है और तोरांज के वन इज़ शूटिंग मी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर गुड़गांव। 4 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, आप प्लीज़ सब जाके देखें अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में। बहुत दिल के करीब है ये फ़िल्म मेरे और मैं चाहूँगी कि ऑडियंस इस फिल्म को एक मौका दें क्योंकि ये एक बहुत अच्छी बेहतरीन फिल्म है। देखिए ये क्राइम थ्रिलर है और ये कहानी है इस परिवार की और बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं हम एक ही साथ में। गुड़गांव के ऊपर कहानी है, इस परिवार के ऊपर कहानी है, ये कैरेक्टर्स के ऊपर कहानी है। बहुत एक से एक कड़ी जुड़ती है और कैसे बहुत कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं इस फिल्म में, ये उसके बारे में। तो इसके बारे में आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या यही मूवी में भी? मूवी में हाँ मेरे बाल ऐसे ही हैं और मेरा मेकअप तो है ही नहीं। एक्चुअली मूवी में मैंने मेकअप किया ही नहीं है ना, कुछ हेयर वेयर कुछ किया नहीं, बहुत बेसिक नॉर्मल सा लुक है मूवी में। लेकिन इट्स ब्यूटीफुल, आई लव इट एंड इट्स वेरी रॉ एंड रियल एंड इट्स वेरी ग्रिटी, इट्स अ वेरी एज ऑफ द सीट थ्रिलर, इट्स अ नोआ फिल्म, इट्स अ नोआ स्पेस थ्रिलर। आपसे जानना चाहोगे किस तरह की फिल्म है ये? गुड़गांव है तो अभी गुरुग्राम हो चुका है, तो आपको नहीं लगता कि किस तरह की फिल्म है? कुछ क्या सच्ची कहानी बता रही है? या इट इज़ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स एंड इसमें बहुत सारी असली चीज़। देखिए जो भी आप आर्ट क्रिएट करते हैं या सिनेमा, वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दुनिया में तो हुआ ही है या कहीं ना कहीं घटित हुआ ही है, तो वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होता ही है ट्रू इवेंट से। तो हमारी फिल्म भी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड तो ज़रूर है। रागिनी जानना चाहेंगे कब वापस हम रागिनी को मूवी में तो देख रहे हैं लेकिन टीवी पे कब देख रहे हैं? टीवी पे तो अभी पता नहीं, फिलहाल तो फिल्म देखिए प्लीज़ गुड़गांव जाके 4 अगस्त को अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में। बहुत 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 बेहतरीन फिल्म है, मुझे इस पर पूरा कॉन्फिडेंस है। आई होप आप लोगों को भी उतनी अच्छी लगे। प्रमोशन किस तरह से हो रहा है? कृष्णा सर के आप जाने वाले हैं? सबसे पहले कृष्णा का मुझे फ़ोन आया था कि तू मेरे शो में आ जा, मैंने बोला हाँ मैं तो आ रही हूँ तेरे शो में, तू तैयारी कर। आई बी वेरी एक्साइटेड अगर मैं कृष्णा के शो में जाऊँगी। सबसे पहले मेरी उसके साथ यही बात है कि तू मेरे शो में आ जा, बोला ठीक है। थैंक यू गाइस। आपके नज़रिए से टीवी और फिल्मों का दायरा कितना बढ़ रहा है आज के दौर में? देखिए टीवी की जो रीच है ना, वो हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। टीवी सबके घरों में है मैं चाहूँगी मेरी फिल्म जितनी रीच करे अपनी ऑडियंस को उतना बेहतर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वॉच गुड़गांव, प्लीज़ वॉच गुड़गांव ऑन 4 अगस्त अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। यहाँ पे किसी की गारंटी नहीं। मैम रुकिए। हो गया हमारा। हाँ, थैंक यू। मैम लेफ्ट साइड रागिनी जी है यहाँ पे। रागिनी मैम सामने सामने जी स्ट्रेट मैम। नहीं रुक भाई रुक। रागिनी जी, रागिनी जी जाओ क्या मुझे उसे रागिनी चलो मैडम लेफ्ट ना। एक मिनट मैडम इधर मैम सांगा रागिनी जी इकडे कुठे? अरे कुठे इकडे रागिनी जी यहाँ पे एक बार रागिनी मैम। मैडम इकडे रागिनी मैम समोर मैम यहाँ पे स्ट्रेट मैम यहाँ पे। थैंक यू। हाँ मैम यहाँ से ही आना।